तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली है कि भी हाउ वी कैन क्रिएट मेन्यू, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग उसको अपने अपने टेम्पलेट के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। यानी कि हमें पता, हमें ये तो पता है कि भी हमारे हेडर की टेम्पलेट के अंदर एक एरिया यहाँ पर बनाया, बना के हमें दिया गया है जहाँ पर हम लोग मेन्यू लगाते हैं, लेकिन मेन्यू बनता कैसे, मेन्यू बोलते किस चीज़ को है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो हम लोग आएंगे जहाँ पर थीम, जहाँ से अपलोड करते हैं ना पीनस में, वहीं पर नीचे आएंगे तो वहाँ पर मेन्यू लिखा होगा। अच्छा, वैसे अक्सर हो ये भी सकता है कि भी हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें इस वजह से गायब शो होती है क्योंकि कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, मैं थोड़ी डार्क स्कीमिंग में आ रहा हूँ कि एटलीस्ट आइटम्स वाजे हो जाएं। और बाकी मैंने बताया हुआ, अगर आपने अपना यूज़र नेम इजी करना है तो आप यहाँ पर एक नया यूज़र ऐड कर लें और उसका यूज़र नेम कोई और रख लें तो आप लोगों के पास ईजी वाला यूज़र नेम आ जाएगा। बताया हुआ ना मैंने, यानी आप लोग कहते हैं कि भी आपको ये याद नहीं रहता, B7 है _365 पता नहीं क्या, आप कहते हैं मैंने भाई आप लिखना है राबी, लिखना है कि भी मेरा राबी यूज़र नेम हो और वही RKH पासवर्ड हो वो जो आपने बताया था। तो सिंपली आप क्या करें, ऐड न्यू यूज़र कर दें, यूज़र नेम यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब ये आपका यूज़र नेम होगा, ये बंदा कौन होगा, ये एडमिन होगा, ये हर चीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। हो ये तो एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए आ रहा है, हम एड न्यू यूज़र कर रहे हैं। ईमेल यहाँ पर दिया आपने, ये दी हुई है आपने, यही ईमेल मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ एंड इसको भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूँ। लेकिन अभी एक मसला है, अब उसने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। नया यूज़र ऐड भी नहीं हुआ, एंड द ईमेल है फॉर द यूज़र ऑन दिस बट टू इनवाइट टू रिसाइड द प्रोजेक्ट पुश। कहते कि भी हमें हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, यानी कि यहाँ से आपको यूज़र ऐड हो सकता है सिंपली, लेकिन अभी के लिए हम लोग अपना मेन काम करते हैं, अपना मेन्यू बनाते हैं। अब पीनस में आएंगे और हम लोग जाएंगे मेन्यू में। अब मेन्यू हमारे पास कितने कितने टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास टॉपर, एक हमारे पास हेडर मेन्यू होता है, एक हमारे पास टॉपर का एरिया होता है और एक हमारे पास फुटर मेन्यू होता है, ठीक है, ये तीन तीन होते हैं। लेकिन कभी कभार ना हमारे पास एक और मेन्यू भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेन्यू, ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि भाई मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना मेन्यू के अंदर, ये मेन्यू पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो खाली हेडर का ऑप्शन है और फुटर का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर हेडर और फुटर में शो करवा भी दूंगा ना, फिर भी बोले पेजेस यहाँ पर शो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब हम लोग हेडर में आते हैं, मैं हेडर को एडिट करूँ दोबारा, तो हेडर जिस तरह बना हुआ है ना, हेडर बेसिकली बना हुआ है, हेडर के लिए उन्होंने एक सेक्शन लिया था, फिर जगह पर उन्होंने फिर उसके तीन कॉलम्स लिए। कॉलम का पता है ना, एक सेक्शन होता है, सेक्शन कहने के लिए बॉक्स है, ये देखिएगा ये एक बॉक्स था, इसके अंदर इन्होंने तीन कॉलम्स दिए, एक में लोगो लगा दिया या फिर इमेज लगा दी, एक में उन्होंने क्या लगा दिया, उसका नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स किट नेविगेशन मेन्यू, यानी कि यहाँ पर जो मेन्यू आपने बनाया होगा वो आपने यहाँ से बस चूज़ कर लेना है, तो आपका मेन्यू यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी कितने पेजेस बनाए हुए हैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर, एक ही, ठीक है, लेकिन अभी तक डेमो खाली एक पे शो करवाया आपने, टेम्पलेट डिज़ाइन सर में करवाया हुआ, फिर तो ठीक है। अच्छा, फिर सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, लेट से मेन मेन्यू कह लें या हेडर मेन्यू कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। मैं हेडर चूज़ नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने हेडर खुद बनाए हैं, ना कि हमने थीम का बना बनाया हेडर चूज़ किया है, क्योंकि हमने टेम्पलेट इम्पोर्ट किया था ना। इन हेडर और फुटर को जो टेम्पलेट में आते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं कस्टम हेडर एंड फुटर। क्या बोलते हैं, कस्टम हेडर एंड फुटर। कस्टम का मतलब क्या है कि भी हमने खुद बनाए हैं। अब ये मेन्यू बन गया,
अब हमने इसके अंदर आइटम्स ऐड करने हैं, यानी कि पेजेस ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से पेजेस ऐड करूँ, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। इसलिए हमारे पास इसके अलावा और कोई पेज नहीं है। सेव मेन्यू, अब मैं इसी पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेन मेन्यू। देखें ये मेन्यू बन गया, नाम दिया एंड सेव कर दिया। फिर पहले सबसे पहले हमने क्रिएट किया था, क्रिएट के बाद हमने उसमें यहाँ से ऐड किए थे आइटम्स अपने, ऐड टू मेन्यू किया था और फिर सेव कर दिया था। अब ये हमारा ओपन हो गया होगा यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा एक बटन को एडिट की तरफ। मैंने एडिट पे क्लिक किया एंड यहाँ से अब मैं मेन्यू सेलेक्ट कर लूँगा अपना कि ये मेरा मेन्यू है। आगे साथ हम देखते हुए जाते हैं कि भाई वेबसाइट के ऊपर काम हो किला कैसा है। ओके, आपने कह रही कि भी आपने अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी डेमो लगा दिया है। नहीं लगा, खाली हेडर और फुटर ही लगा हुआ है। अभी आपने इसकी बॉडी में नहीं कुछ ऐड किया, मैं अभी देख लेता हूँ। ये आपने ऐड किया हुआ, आपने खुद चीज़ें ऐड कर दी है आपने। अब मैं बता दूँ आपकी मिस्टेक ये है, आप जब सेटिंग में आकर रीडिंग पर गई है ना स्टैटिक करने के लिए, तो वहाँ पर आपने पोस्ट पेज कर दिया अबाउट अस को। ऐसे कौन करते हैं, पोस्ट पेज तो हमारा अबाउट अस का ही ना है, अबाउट अस तो हमारा अबाउट अस का पेज है। ये मिस्टेक थी आपकी। अब मैं व्यू कर लेता हूँ गेम, हाँ लगाया हुआ, सच बोल रही है। ये ले आपका अबाउट अस का पेज भी लगा हुआ है। फॉर्म नहीं लगा हुआ, सिर्फ ठीक है। अच्छा वो रिपीट हो गए, तो अगर कुछ रिपीट हो जाए ना, सिंपली आप आ जाए दोबारा एटीपी एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि बिकॉज एलिमेंटर हमारा पेज बिल्डर है जिसकी हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं अपनी सारी की सारी। टाइम ले रहा था वेबसाइट, यहाँ से आ गई है दोबारा आपका रिवाइज हुआ होगा। तो यहाँ की क्रॉस का बना हुआ है ना, तो यहाँ पर एक और इशू आ रहा है इसमें हमारे पास कि ये कॉन्टेक्ट पेज का नाम भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा हुआ है ये सेटिंग्स का, मैं यहाँ पर आके ना पेज का टेम्पलेट चूज़ करने का ऑप्शन होगा। नहीं वो तो फुल विड्थ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट अस कहाँ लिखा हुआ है ये मैं नहीं पता, मैं तो फोटो को एडिट करके चेक कर लेता हूँ कि भी ये कॉन्टेक्ट अस लिखा किधर हुआ है। फोटो में भी नहीं है, चले शायद बाद में चेंज हो जाएगा। मैं बैक आ, मैं व्यू पेज कर लेता हूँ। अब ठीक है, वो सब एक चीज की समझ नहीं आ रही, ये कॉन्टेक्टर्स कहाँ लिखा हुआ है। आपने बॉर्डर्स के ऊपर फिर बॉर्डर्स भी लिखा हुआ है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ अभी। नहीं आपने नहीं लिखा,
अच्छा अभी जो मैंने मेन्यू बनाया उसके समझ आइए कि मेन्यू कैसे बना। ठीक हो गया। और जैसे मेन्यू लगे देखिए यहाँ पर स्पेसिस भी ऐड हो गई हैं, ये सारी वर्किंग हमारी ईजिली हो रही है। चीज़ की भी समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है। चलें अब मैं कहता हूँ कि भी मैं ये चाह रहा हूँ कि भी इस बार इस हेडर हमारे हेडर एरिया के ऊपर ना एक टॉप बार का एरिया भी लगाओ जिसके अंदर सोशल आइकन आ रहे हो या फिर हम उस पर एक टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हैं। लेट्स से कि भी हमने अपने पास एक टैगलाइन अपनी बना ली है, फिर हमारा एक मोटिव है, हम वो मोटिव वहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं अपना टेक्स्ट। तो हम लोग अपना हेडर एडिट कर रहे हैं ना, तो अब ये हमारा हेडर है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस वाले हेडर को रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, नॉट अ बिग डील। कि भी अगर दोबारा बनाना हो आपने तो अब बेसिकली मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लोगो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया तो इमेज चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप खुद से कोई भी एक लोगो डिज़ाइन करके यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए सैम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ। इटर्जी स्टोर का मैं लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ। ठीक है, फिर इस इमेज को लिंक हम लोग किस चीज़ का देंगे, अपने मेन पेज का। हमेशा जो हमारा मेन पेज होता है ना उसका लिंक आपने यहाँ पर इमेज को देना है, ताकि जब भी क्लिक लोगो पे क्लिक हो तो हमारा होम पेज ओपन हो दोबारा से। क्योंकि हमें पता है जब भी हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, हम लोगो पे क्लिक करते हैं तो फिर हम लोग मेन पेज पे आ जाते हैं वापस, चाहे हम लोग किसी भी पेज पे फिर रहे हों। हम बैक ज़्यादातर नहीं करते, हम किसी दफ़ा बैक हो सकते हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट के अंदर या किसी पेज के ऊपर इतना डीप में गए हों कि हम लोग बैक करें तो फिर वो हमें 15 दफ़ा बैक करना पड़ रहा हो। उससे अच्छा तो यही है कि भी लोगो पे क्लिक करके क्लिक में आप होम पेज पे आ जाओ। अब कर लेते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चेंजेस। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, इसके ऊपर माउस जब हम लोग लेकर जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हूवर, कि इसके ऊपर हूवर हो रहा है। हम लोग ऊपर लेके तब इसके ऊपर कलर आ रहा है ना, तो ये हूवर कलर है इसका। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस मेन्यू के ऊपर, ये तो हमारी ये एरिया आ रहा है। स्टाइल में आया मैं, जैसे मैं स्टाइल की तरह सबसे पहले यहाँ पर आ रही है मेन्यू की हाइट, कि हाइट बढ़ानी है कम करनी है, क्या चीज़ें आप करना चाह रहे हैं। फिर आप इस वाले एरिया को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं देना चाह रहे तो आप इसको ऑफ कर देंगे सिंपली। और आप लोग आप यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन आप अब कहते हैं कि भी हम इस पूरे सेक्शन को, ये जितना पूरा एरिया है, एक क्लिक के अंदर इस पूरे एरिया को बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे। अगर आपने सिंगल किसी आइटम को कलर देना है तो आप सिंगल उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपने पूरे एक सेक्शन को कलर देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इन ये जो 6 डॉट्स बने आ रहे हैं ना, इन 6 डॉट्स पर हम लोग क्लिक करेंगे, हम यहाँ से आएंगे स्टाइल के अंदर। अब देख रहे हैं पूरा का पूरा ये सेक्शन सेलेक्टेड है इस टाइम। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे मेरी वेबसाइट के लिए हेडर का कलर पसंद है ये वाला, लेकिन नहीं ये थोड़ा ज़्यादा बुरा हो जाएगा क्योंकि मेरा लोगो जो है ना वो ग्रे में है। कुछ ऐसा कलर कर लिया मैंने जिसके ऊपर लोगो भी वाजे हो रहा है हमारा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट में आ जाता हूँ कि भी हाँ, हम अपने मेन्यू में थे, हम अपने मेन्यू का स्टाइल देख रहे थे। अब यहाँ पर ये मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं मेन्यू आइटम स्टाइल, ओपन कर लेते हैं हम लोग, वन बाय वन देख रहे हैं ना। क्या यहाँ पर आ रहा है टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी में क्या होता है टाइपिंग, कि टाइपिंग का स्टाइल, टाइपिंग का फॉन्ट वेट, ये देखिएगा अभी बढ़ानी।
मेरे ख्याल में होवर, होवर पे तो ये कलर लगा हुआ है, देख रहे हैं ऑरेंज। इस ऑरेंज को मैं कर देता हूँ लेट्स से फिलहाल के लिए, ये वाला कलर इससे हमने हमारे लोगों में यूज़ हुआ है ना, लेकिन मैं एक दफ़ा कोई और कलर करके चेक कर लें कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि भी आप कौन सा कलर यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्लियर है कि भी कलर्स वगैरह हमने कैसे दिए। ब्राइट ये अच्छा लग रहा है, चल। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई हम लोग सब मेन्यू किसको बोलते हैं। सब मेन्यू, अब देखिए क्योंकि देखें यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, सब मेन्यू इंडिकेटर स्टाइल, सब मेन्यू आइटम स्टाइल, सब मेन्यू का पैनल स्टाइल। ये सब मेन्यू है क्या? सब मेन्यू क्या होता है, कुछ आइडिया? मेन मेन्यू का चाइल्ड, डोमेन का सब डोमेन होता है ना, वैसे मेन मेन्यू का सब मेन्यू होता है। तो लेकिन हम लोग मेन्यू में हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि उसके लिए फिर आपके पास और मल्टीपल पेजेस होने चाहिए जिसके आगे आपके पास सब पेजेस हों। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्या करूँगा, मैं इन्हीं पेजेस को एक बार रिवाइज, इन दो को मैं रिपीट कर देता हूँ और किसी भी एक के अंडर ले जाता हूँ मैं। ये देखिएगा ये और ये, अब ये क्या बना, ये सब मेन्यू बन गए। ये भी इसका पेरेंट आ रहा है और ये इसके चाइल्ड आ रहे हैं। इसको बोलते हैं सब मेन्यू।